हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास दो ब्लूटूथ स्पीकर है वो स्टोन 1500 बोट के, तो आप इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और एक साथ स्टूडियो साउंड के साथ आप कैसे इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये वाला जो स्पीकर है इसे पहले मैं ऑन करता हूँ, एक बार दबा के रखता हूँ तो इसमें ब्लू लाइट जलेगी। तो देखिए आप, ब्लू लाइट जलिए और इसने बोल भी दिया है। फिर उसके बाद आपको करना होगा, इसे दो बार प्रेस करना होगा जल्दी जल्दी, तो ये ग्रीन लाइट यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट आ गई। अब ये दूसरे स्पीकर को ढूंढ रहा है, तो हम दूसरे स्पीकर पे आते हैं और सिंपली एक बार इसे सिर्फ ऑन करते हैं बस, और ये ऑटोमेटिकली ये वाला स्पीकर इसे ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा और ये साउंड भी बताएगा बोल के कि दोनों के दोनों एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अभी आप सुनिएगा, देखा आपने भी इसने बोला। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सिंपली कनेक्ट करने के लिए करना क्या होगा। सिंपली आपको ब्लूटूथ पे एक बार क्लिक करना होगा और ब्लूटूथ ऑन करना होगा। तो मैंने भी जैसे इसे कनेक्ट करके रख रखा था, तो ये वाला मैंने कनेक्ट कर लिया है और इससे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। तो मैं एक बार साउंड प्ले करके दिखाता हूँ आपको, आप उससे देखिएगा। मैंने बिल्कुल हाई साउंड कर दिया, किस तरह से दोनों के साथ अलग अलग इसमें एक साथ मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। मैंने इसलिए दोनों इस तरह से प्लेस करे थे, जिससे आप ये देख सकते हैं इनकी इस तरह से मूवमेंट जो होती है। तो बाकी अगर आपको इनके रिव्यू देखना है इस स्पीकर का, तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा वीडियो, आप वहां से आई बटन से देख सकते हैं। उसमें मैंने इसका कंप्लीट रिव्यू कर रखा है, बिल्कुल एक किस तरह का स्पीकर था, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स थे, तो आप देख सकते हैं आई बटन पर जाके। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे इस तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।